बेटे सब कनेक्ट हो जाएं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके बेटे, कनेक्ट हो जाएं बच्चे सारे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर एग्जैक्टली वहीं से स्टार्ट करेंगे और वो केस नंबर 3 को ही हम डिस्कस करेंगे। और हम जिसको आता होगा बेटे केस नंबर 3 समझ आएगा, वो आंसर करेगा। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, अगेन दोबारा से मैं आपको केस नंबर 3 दोबारा बताता हूँ। ठीक है? इसको गौर से सुने और जिसको बेटे आता है वो हैंड रेज करेगा और अपना आंसर दे सकता है। ठीक है? ओके, क्वेश्चन बेटे ये है कि सपोज अ फ्रेम, अगर एक फ्रेम जो है रिसीव हुआ है इंटरफेस नंबर 2 के ऊपर, ठीक है, और उसके लिए जो मैक एड्रेस, जो आपका मैक एड्रेस जिसके ऊपर उसको डेटा को सेंड करना है, वो मैक एड्रेस आपके इस जो आपका मैक टेबल है उसके अंदर मौजूद नहीं है। स्विच के पास मैक एड्रेस नहीं है उस कंप्यूटर का, जिस कंप्यूटर को उसने डेटा सेंड करना है। सो वो फैसला कैसे करेगा? ठीक है, कोई बच्चा बता सकता है तो हैंड रेज करे। जी बेटे, सर वो आर्म क्यूरी के जरिए उसका आईपी एड्रेस से उसका मैक एड्रेस लेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये बात मैंने आपको बताई थी। और याद रखिएगा कि आर्प क्वेरी, अब जो एआरपी का प्रोटोकॉल है वो क्या करेगा, वो क्वेरी करेगा, वो क्वेश्चन करेगा। और पहले वो क्या करेगा, पहले वो इस मैक एड्रेस को फिल करेगा। जब उसको ये मैक एड्रेस पता चल जाएगा, यहाँ एंट्री आ जाएगी, अब वो दोबारा से सर्च करेगा और उसको ये मैक एड्रेस मिल जाएगा। और क्योंकि सोर्स पोर्ट आपकी 2 है और डेस्टिनेशन पोर्ट 1 है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से इसके ऊपर डेटा फॉरवर्ड कर देगा। फॉरवर्ड कर देंगे सर। ठीक है? क्लियर होगी बात? सो ये मेथड है। देखो ये बड़ा अच्छा उन्होंने एक प्रोटोकॉल सा डिजाइन किया है एआरपी, जो बड़ा सही करके काम करता है। ठीक है? और स्विच जो है वो अपना मैक टेबल भी फिल कर लेता है बड़े आराम से। ठीक है? तो ये तरीका है, ये मेथड है जिसके तहत ये सारा काम होता है। और ये मैक एड्रेसिंग के थ्रू आपने देखा कि जो ब्रॉडकास्ट है ये मिनिमाइज हो जाती है। और अगर ये जो आर्प क्वेरी है, ये बेसिकली इसके अंदर ब्रॉडकास्ट हो सकती है, याद रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर ना आपके पास मैक एड्रेस नहीं होता, आईपी एड्रेस होता है, सिर्फ आईपी एड्रेस होता है। आप कहते हो ये आईपी एड्रेस जिस कंप्यूटर का, वो अपना मैक एड्रेस सेंड करे। बेसिकली आप ये क्वेश्चन करते हैं, आप मैक एड्रेस में क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं और आईपी एड्रेस डाल के पैकेट भेज देते हैं उस कंप्यूटर की तरफ। तो जब उस कंप्यूटर को रिसीव होता है
वो आईपी कंपेयर करता है, जब उसका आईपी मैच हो जाता है तो वो क्या करता है, वो उस मैक एड्रेस के ऊपर यानी अपना मैक एड्रेस पैकेट के अंदर डालता है, आईपी और मैक डालता है और जवाब देता है। जब वो जवाब देता है तो आईपी के अगेंस्ट मैक एड्रेस जो है स्विच को रिसीव हो जाता है, कंप्यूटर को रिसीव हो जाता है। इस तरह से आर्प कंप्यूटर जो है अपनी आर्प टेबल को अपडेट कर लेता है और स्विच जो है अपने मैक टेबल को अपडेट कर लेता है। इस तरह से ये एंट्रीज जो हैं अपडेट होती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सर बात? सिक्योर है हाँ, क्या कहते हैं? सर, ये सिक्योर होता है ना? बिल्कुल सिक्योर होता है बेटे। सिक्योर इसलिए होता है कि जब उसने क्वेश्चन करना होता है, जब क्वेरी करनी होती है, आर्प की जब क्वेरी करनी होती है, तो आर्प की क्वेरी के अंदर वो ये देख रहा होता है, वो कंट्रोल का एक पैकेट भेजता है, यानी वो डेटा नहीं उसमें होता। ठीक है, यानी कंप्यूटर शुरू में क्या करते हैं, वो कंट्रोल मैसेज एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, कंट्रोल मैसेज क्या एक्सचेंज करते हैं कि ये पूछना कि फलाने आईपी का मैक क्या है, ये इसको बोलते हैं कंट्रोल की क्वेरी। ठीक है, ये सवाल है, इसके अंदर डेटा कहीं पे भी नहीं है, हमने उसके अंदर पैकेट के अंदर कोई खास डेटा नहीं डाला था, कोई एक आध बिट उसके अंदर डाल देते हैं। बेसिकली हम ये पैकेट का भेजने का मकसद ही होता है कि हमें जो मैक एड्रेस है दूसरे कंप्यूटर का पता चल जाए, और इसको हम आर्प क्वेरी भी बोलते हैं। ठीक है, यस और ये एआरपी प्रोटोकॉल जो है वो जनरेट करता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, स्विच जो होता है वो अपने आप को अपडेट कर लेता है, और जो कंप्यूटर है वो अपनी आर्प की एआरपी की जो कैशे होती है, जो कि कंप्यूटर की रैम के अंदर बनी हुई होती है, वो उसको भी अपडेट कर लेता है, यानी उसके अंदर आईपी के अगेंस्ट मैक एड्रेस की एंट्री कर लेता है। स्विच क्या करता है, सर, स्विच, रजिस्टर जो लगे होते हैं उसमें होते हैं। हाँ देखिए, कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर आईपी के अगेंस्ट मैक की एंट्री करेगा। याद रखिएगा, एआरपी प्रोटोकॉल ये काम करता है। ठीक है, कैशे कंप्यूटर के अंदर ये कैशे है, याद रखिएगा। जो लेयर 3 होती है वो या कंप्यूटर में होगी या राउटर में होगी, लेयर 2 के स्विच में नहीं होगी। आप देखें लेयर 2 का ये लेयर 2 के स्विच की एंट्री है। मुझे यहां बताएं, इस पूरे टेबल में कहीं आपको आईपी एड्रेस लिखा हुआ नजर आ रहा है? जी बता सकते हैं सर बेटे? देखो, ये मैक टेबल आपके सामने बना हुआ ना, ये स्विच का है। मुझे बताएं कि स्विच के मैक टेबल में कहीं आपको आईपी एड्रेस लिखा हुआ नजर आ रहा है? नो सर, नहीं। तो याद रखिएगा, स्विच कभी भी, लेयर 2 का स्विच कभी आईपी एड्रेस की बेस पे फैसला नहीं कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास आईपी एड्रेस है ही नहीं, वो सिर्फ मैक एड्रेस को सर्च कर सकता है बस। ठीक है, तो ओके या सर, और वो ये उसको ये पता होता है कि कौन सी पोर्ट के साथ कौन सा मैक एड्रेस कनेक्टेड है, ये उसको पता है। सो जब आपके डेस्टिनेशन में कोई मैक एड्रेस पड़ा होता है कि फलाने कंप्यूटर को देना है, तो वो मैक एड्रेस को सर्च करके तो उसके अगेंस्ट पोर्ट के ऊपर वो डेटा कॉपी कर देता है, या रिपीट कर देता है, या फॉरवर्ड कर देता है। क्लियर होगी बात? यस सर, ठीक है, सो याद रखिएगा, जो लेयर 2 का स्विच है वो मैक एड्रेस की बुनियाद पे फैसला करता है, कभी भी आईपी एड्रेस यूज नहीं करता। अगर लेयर 2 के स्विच के अंदर, मैंने कहा कि लेयर 2 के अंदर आप डिसीजन लें और आपने आईपी को यूज किया, इसका मतलब है आपको पता ही कोई नहीं है, लेयर 2 में आईपी यूज ही नहीं होता कभी भी। ठीक है, और वो जो एआरपी की क्वेरी है, वो एआरपी प्रोटोकॉल इस लेयर 2 से ऊपर का प्रोटोकॉल है, वो लेयर 2 का प्रोटोकॉल नहीं है, वो 3 का प्रोटोकॉल है लेयर। ठीक है, वो लेयर 3 के अंदर वो मैक आईपी के अगेंस्ट मैक एड्रेस फाइंड करता है, और वो कंप्यूटर के लिए फाइंड करता है, जो हमने पहले डिस्कस किया था। ठीक है, और ये हम ओके स्विच के लिए बात कर रहे हैं, स्विच के पास सिर्फ ये इंफॉर्मेशन होती है। क्लियर है सब कुछ? जो आर्म क्यूरी है वो कंप्यूटर कर रहा था है, कंप्यूटर ये करता है? स्विच नहीं कर रहा था। नहीं, और उस आर्प ओके क्वेरी के जरिए से स्विच भी अपने मैक एड्रेस को अपडेट कर लेगा। क्यों? क्योंकि जब पैकेट आएगा तो वो पैकेट को खोलेगा ना, उस पैकेट के अंदर फ्रेम भी तो मौजूद होगा, उस फ्रेम को यस सर, खोलेगा तो उस फ्रेम के अंदर उसको मैक एड्रेस मिल जाएगा, वो अपडेट कर लेगा। क्लियर होगी बात? यस सर, ठीक है, सो ये इस तरह से है। तो स्विच जो है हमेशा मैक एड्रेस की बुनियाद पे फैसला करेगा, वो कभी भी आपका ये नहीं देखता के आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, तो ये मैं क्लियर करना चाहता था, मैंने इसलिए बताया। ओके, सो बेटे देखो, हमने ये तीनों केस जो है अब पढ़ लिए हैं। ठीक है,
अगर मैक एड्रेस नहीं होगा तो स्विच को क्या करना चाहिए, ब्रॉडकास्ट करनी चाहिए। आम क्यों नहीं, ये सब ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट करेगा? करेगा ना स्विच तो नहीं। देखिए स्विच एआरपी प्रोटोकॉल को नहीं यूज कर सकता, ठीक है, क्लियर है, तो ये यस क्लियर, सर। ठीक है। देखिए ना इसमें लिखा हुआ, इन दिस केस स्विच फॉरवर्ड्स कॉपीज ऑफ द फ्रेम टू ऑल इंटरफेसेस। यही बात है ना, अगर वो तमाम इंटरफेसेस को, तमाम पोर्ट्स के ऊपर उसको रिपीट कर देगा या फॉरवर्ड कर देगा, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर स्विच को कोई चीज फाइंड करनी है तो वो ब्रॉडकास्ट कर सकता है, लेकिन मैंने यही कहा था कि आपको लिमिटेड ब्रॉडकास्ट करता है। वंस स्विच का अगर मैक टेबल अपडेट हो गया तो अब वो ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, नहीं बहुत कम, करेगा। फिर बहुत कम चांस होगा कि ब्रॉडकास्ट करे, ठीक है। यानी कोई ऐसा पैकेट आ गया जिसके अंदर मैक एड्रेस नहीं लिखा हुआ तो ब्रॉडकास्ट करेगा, इसीलिए हम कहते हैं लिमिटेड ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है। बाज़ औक़ात इंटरनेट के ऊपर कोई पैकेट रिसीव होता है जिसके अंदर मैक एड्रेस नहीं लिखा होता, तो फिर ये स्विच फैसला नहीं कर सकता कि मैक एड्रेस किसको, मतलब किसको फॉरवर्ड करे, ठीक है। तो उसको मैक एड्रेस, उसको आईपी एड, क्योंकि मैक तो लिखा ही नहीं हुआ तो डेस्टिनेशन का मैक है ही नहीं, तो वो क्या करता है, वो ब्रॉडकास्ट कर देता है। अगर कोई कंप्यूटर रिप्लाई करेगा तो उसको वो डेटा दे देगा, डेटा अपने पास रखेगा, पहले वो क्वेश्चन करेगा, ब्रॉडकास्ट क्या करेगा, कंट्रोल का पैकेट भेजेगा, कहेगा कौन है, जब कंप्यूटर रिप्लाई करेगा देन उसको वो डेटा दे देगा, ठीक है। डेटा तो उसके पास पहुंच चुका है, क्लियर होगी बात। सो डिवाइसेस यस इस तरह से वर्क करती हैं, ठीक है। अच्छा अब ये देखें जो स्विच है, अब आखिरी जो चीज हमारी वो ये है कि स्विच जो है वो सेल्फ अपने आप को लर्न करवाता है, ठीक है। स्विच क्या करता है, इनिशियली जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो स्विच के अंदर, मैक टेबल के अंदर कोई भी एंट्री नहीं होती, सिर्फ स्विच को ये पता होता है कि मेरी पोर्ट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, मेरे मसन उसके पास 24 पोर्ट्स हैं तो वो लिखा होगा 24 पोर्ट्स, लेकिन किसी पोर्ट के अगेंस्ट उसके पास मैक एड्रेस की एंट्री मौजूद नहीं होगी। तो जब कोई एक कंप्यूटर पैकेट भेजेगा, ठीक है, और वो स्विच के पोर्ट पे, इंटरफेस पे रिसीव होगा, तो वो क्या करेगा, उस पैकेट को खोलेगा और उसके सोर्स के मैक एड्रेस को कॉपी करेगा और उस पोर्ट के अगेंस्ट मैक एड्रेस के अंदर उसकी एंट्री कर देगा। तो क्या ये करेक्ट प्रोसीजर है, समझ रहे हो आप इसको, यस सर। ठीक है। तो बेटे जब कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर ने जब पैकेट भेजा तो कंप्यूटर को अपना तो मैक एड्रेस पता होता है ना, उसने डाला होता है सोर्स के अंदर, उसने अपना मैक एड्रेस डाला होता है। जो ही वो पैकेट स्विच तक पहुंचेगा तो स्विच की जब पोर्ट नंबर, फर्ज करें 1 है, तो पोर्ट नंबर 1 पे जब वो पैकेट पहुंचेगा तो वो स्विच क्या करेगा, स्विच उस पैकेट को खोलेगा और उसके सोर्स के मैक एड्रेस को कॉपी करके पोर्ट नंबर 1 के अगेंस्ट पेस्ट कर देगा, ठीक है। अगर उसके पास पोर्ट नंबर 1 का मैक एड्रेस नहीं है तो, अगर है तो फिर नहीं करेगा, क्लियर होगी बात। स्टार्ट होगा उस टाइम तो नहीं होगा सर, उस टाइम हाँ, ट्वेंटी जब होगा। स्टार्टिंग में नहीं होगा, ठीक है, इनिशियली वो एम्प्टी है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जब फर्स्ट पहला पैकेट रिसीव होगा तो वो क्या करेगा, वो वहां पे उसकी एंट्री करेगा। तो ये जो ऊपर आप एंट्रीज देख रहे हैं ना, जब जब यहाँ पे पैकेट रिसीव हुआ था तो उसने सोर्स का मैक एड्रेस लेके यहाँ डाला था, जब यहाँ पे पैकेट इस कंप्यूटर की तरफ से आया था तो इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस इसने यहाँ डाला था, और ये विद इन मिली सेकेंड हो जाता है ये सारा काम, ठीक है। लेकिन हम अगर क्वेश्चन बनाना चाहें तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अच्छा ठीक है जी, कंप्यूटर नंबर 1 ने अभी कोई पैकेट नहीं भेज रहा, मैं कहूँगा कि कंप्यूटर पैकेट भेजेगा। अगर मैं इस तरह का सिनेरियो आपको दे दूँ तो क्वेश्चन यहाँ बन सकता है इस तरह का, ठीक है। बड़े इजीली आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो स्विच का टेबल इनिशियली एम्प्टी होता है और ग्रेजुअली वो बिल्ड होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखे हुए हैं कि स्विच कैसे बिल्ड करता है, कि जो मैक एड्रेस इन द फ्रेम सोर्स फील्ड, ठीक है, सोर्स का जो मैक एड्रेस होता है वो वाला, ठीक है, और द इंटरफेस फ्रॉम विच द फ्रेम अराइव्स, ठीक है, जो इंटरफेस है उसके अगेंस्ट इस मैक एड्रेस की एंट्री करता है, और तीसरी जिस टाइम पे वो रिसीव हुआ है उस टाइम पे उसकी एंट्री करता है। तीन चीजें वो एंटर कर रहा है, आप देखें ये तीन चीजें इधर लिखी हुई हैं, ये इधर इस पोर्ट पे पैकेट रिसीव हुआ था, इसी पोर्ट का पैकेट जब रिसीव हुआ तो इसका जो सोर्स का मैक एड्रेस था उसकी एंट्री इसने यहाँ पे की,
और जिस टाइम पे ये एंट्री रिसीव हुई वो टाइम की एंट्री वो यहाँ पे कर देगा। अब क्लियर हो गया कैसे बना ये मैक टेबल। अगर मैं मैक टेबल को खाली कर दूं तो ये सारी चीजें तो खाली हो जाएंगी, ये भी खाली हो जाएंगी, लेकिन ये पोर्ट्स जो हैं ये रहेंगी, ठीक है, स्विच के अंदर, क्योंकि स्विच को पता होता है कि उसकी कौन सी पोर्ट कौन सी वाली है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात, आगे चलते हैं। ओके, ये दो पॉइंट हमारे हो गए और तीसरा पॉइंट भी यही है कि द स्विच डिलीट्स an address in the table if no frames are received that with that address as the source address after some period of time. ठीक है, अगर एक खास स्पेसिफिक टाइम तक अगर यानी पोर्ट नंबर वन के ऊपर, पोर्ट नंबर वन मसलन फर्ज करें, मिसाल आपको दे देता हूँ, फर्ज करें इस पोर्ट नंबर वन पे इस मैक एड्रेस का सोर्स मैक जब पैकेट रिसीव होते हैं तो उस पैकेट के अंदर ये वाला सोर्स मैक एड्रेस नहीं होता, पैकेट ये चेक करता है, स्विच ये चेक करता है, काफी काफी दफा ऐसे पैकेट आते हैं, तो स्विच क्या करेगा, स्विच फौरन समझ जाएगा कि ये इसका यहाँ पर कोई कंप्यूटर जो है वो चेंज हो गया है, तो वो क्या करेगा, वो जो सोर्स का मैक एड्रेस है उसको अपडेट कर लेगा इस पोर्ट के लिए। ये बात क्लियर हुई है आपको? ठीक है, yes, sir. तो ये थर्ड पॉइंट ये है कि स्विच के अंदर स्विच कैसे डिटेक्ट करता है कि कोई जो है किसी पोर्ट के साथ कंप्यूटर आपने उतार के कोई दूसरा कंप्यूटर लगा दिया है, या किसी कंप्यूटर का नेटवर्क कार्ड आपने चेंज कर दिया है, तो मैक एड्रेस इन दोनों सूरतों में चेंज हो जाएगा ना। क्लियर होगी बात आपको? यस सर। ठीक है, सो याद रखिएगा हर तरह का सिनेरियो हैंडल करने की स्विच के अंदर सलाहियत मौजूद है, स्विच अपने मैक एड्रेस को अपडेट करता रहता है टाइम टू टाइम। ठीक है, और इस वक्तन फक्तन स्विच जो है जो पैकेट्स होते हैं उनको खोल के चेक करता रहता है कि वहाँ वो मेरा जो स्विच के पास जो डेटा है वो ठीक है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक सर्टेन टाइम जब गुजरता है तो स्विच जो है यानी उसको ये होता है कि वो टाइम को अपडेट करता है, और जब भी स्विच अपने इस रिकॉर्ड को अपडेट करेगा तो इस टाइम को वो चेंज कर देगा, वो अपडेट कर देगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है स्विच का। ठीक है, तो इस तरह उसको पता होता है कि मैंने कितनी देर पहले जो है इस रिकॉर्ड को अपडेट किया था। ठीक है, सो स्विच को ये चीज़ पता होती है। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब सर इसमें भी वो 20 मिनट्स का सिनेरियो होता है? ना ना ना, बिल्कुल नहीं होता। स्विच जो है अपडेट तो करता है, लेकिन अगर अपडेट नहीं भी करेगा तो ये मैक एड्रेस पड़ा रहेगा। कब तक पड़ा रहेगा? जब तक आप स्विच को ऑफ नहीं कर देते। अगर आप स्विच को ऑफ करेंगे तो ये स्विच की रैम के अंदर पड़ा होता है ये सारा कुछ, तो वो स्विच की रैम जो है वॉश हो जाएगी। आपको पता है रैम जो है वोलेटाइल होती है। ठीक है सर, वोलेटाइल। ओके सर, थैंक यू सर। तो ये चीज है, हाँ, इसीलिए याद रखो कि ये जो स्विचेस होते हैं ना उसके साथ हम यूपीएस लगा देते हैं ताकि स्विच जो है रीसेट ना हो, बंद ना हो, उसके अंदर जो मैक की एंट्रीज हैं वो रहें। अदरवाइज ये जो लेयर टू के स्विच हैं वो मैक टेबल को बिल्ड करने में टाइम लगाते हैं, जब हम ऑन करेंगे तो फौरी तौर पर कंप्यूटर्स कनेक्टेड नहीं होते। तो याद रखिएगा जब ये लेयर टू के स्विचेस लगाए जाते हैं तो इनके साथ यूपीएस भी लगाए जाते हैं ताकि ये ऑफ हो ही ना स्विच, और ये इसके अंदर जो मैक टेबल है वो बरकरार रहे। ठीक है, या फिर दूसरी सूरत, मतलब स्विच लगा देते हैं या बैटरी अटैच कर देते हैं, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। वो बैटरी लगाने का मतलब भी यही है कि यूपीएस लगा हुआ है। ठीक है, ओके, अब बेटे लास्ट आखिरी जो चीज है ना, ये हमने पहले भी देखी हुई है। मैंने जो स्विच है ना, स्विच के अंदर फ्रेम कैसा होता है, फ्रेम के अंदर क्या क्या वैल्यू पड़ी होती है, मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल समझाने के लिए डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस, दो तीन चीजें मैंने बताई थी, और मैंने कहा था और भी चीजें होती हैं। अब मैं वो जो सारी चीजें होती है सारी बताऊंगा। ठीक है, याद रखिएगा इथरनेट जो जिस फ्रेम की हम बात कर रहे हैं वो इथरनेट फ्रेम है। ठीक है, मैं या इथरनेट क्या होता है, जो आपका वायर्ड होता है। ठीक है, लाइक जो आपका कॉपर यूज हो रहा है ना उसके ऊपर जो फ्रेम होता है वो इथरनेट फ्रेम होता है, लेकिन अगर मैं फाइबर के ऊपर फ्रेम की बात करूंगा तो वो डिफरेंट होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे हार्डवेयर लेवल पे बात हो रही है, क्योंकि हम हार्डवेयर, ये जो फ्रेम है ये हार्डवेयर लेवल पे होता है। ठीक है,
सो हार्डवेयर के अंदर इंफॉर्मेशन डिफरेंट हो सकती है। अगर केबल की टाइप कुछ डिफरेंट होगी तो फ्रेम का टाइप भी चेंज हो जाएगी। सो हम जिस फ्रेम की बात कर रहे हैं वो ईथरनेट फ्रेम है, कॉपर के लिए है, वो आपका फाइबर वाला नहीं है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ईथरनेट फील्ड्स मे हैव सम डिफरेंसेस विद एफडीडीआई, और एफडीडीआई जो है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरचेंज, ये प्रोटोकॉल है आपका, एफडीडीआई प्रोटोकॉल है, ठीक है। सो ये फाइबर का प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो अगर फाइबर होगा तो फ्रेम के अंदर इंफॉर्मेशन ज्यादा या कम हो सकती है या डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। ओके, यही बात यहाँ लिखी हुई, तो हम उसकी बात नहीं करते क्योंकि हम हर तरह के फ्रेम की अगर बात करने लगेंगे तो ये भर जाएगा आपका लेसन यहीं पे। हम जनरली बात करते हैं कि फ्रेम आपको पता हो कि फ्रेम होता क्या है, ठीक है, और फ्रेम का मकसद क्या होता है। अच्छा, कंप्यूटर, ये जो फ्रेम है ये आपके नेटवर्क कार्ड बनाएगा, ठीक है। नेटवर्क कार्ड के ऊपर जो आपका हार्डवेयर होता है वो ये काम करता है, ठीक है। यानी नेटवर्क कार्ड के ऊपर जो आईसी होती है वो ये काम कर रही होती है, ठीक है। याद रखिएगा ये सॉफ्टवेयर का काम नहीं है, ठीक है। अलबत्ता ये है कि सॉफ्टवेयर यूज होता है, ठीक है। किसके लिए यूज होता है? पहली नाम वो, निकलवाने के लिए सर। हाँ बेटे, सॉफ्टवेयर यूज होगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कंप्यूटर को पता नहीं होता, ठीक है। तो ये वो किससे पता करेगा, क्या कहते हो? सॉफ्टवेयर एनएससी से पता करेगा ना। नहीं, डेस्टिनेशन देखे, एनआईसी को अपना मैक एड्रेस पता है, सोर्स का मैक एड्रेस उसको मालूम है, ये वाला उसको पता है, लेकिन डेस्टिनेशन का कैसे पता चलेगा? डेस्टिनेशन का उसके पास आईपी है सॉफ्टवेयर के पास, तो मैक किससे पूछेगा? सर इसके पास जाएगा ना, स्विच के पास जाएगा। ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर यस के सर, अंदर वो क्या काम होता है, सोचो। सर वो है ना, आर्म क्यूरी जो होती है। एआरपी जो प्रोटोकॉल है उसके यस सर, अंदर, आर्प कैशे के अंदर जो जिस कंप्यूटर के साथ ये इंटरेक्ट कर रहा है उसका मैक एड्रेस, आईपी के अगेंस्ट मैक एड्रेस की एंट्री मौजूद होगी, वहां से वो उठाएगा और इस फ्रेम के अंदर कॉपी करेगा। बात समझ गए हो? यस सर। वो आर्प टेबल क्यों यूज हो रहा है, उसकी मकसद समझ आ गया कि एआरपी प्रोटोकॉल, जब वो कहेगा ना कि आईपी का मुझे कौन मांगेगा, सॉफ्टवेयर मांगेगा, सॉफ्टवेयर कहेगा कि ये वाला मुझे दो, वो देगा तो वो क्या करेगा, इस फ्रेम के अंदर उसको पेस्ट कर देगा, जो आईसी है वो ये काम करेगी। क्लियर हो गई बात? और ये किसी यस ऊपर सर, वाली लेयर से मांगेगा, यानी ऊपर वाली लेयर के अंदर एआरपी प्रोटोकॉल चल रहा है लेयर 3 के ऊपर, तो वो लेयर 3 से कहेगा कि भाई ये मुझे डेस्टिनेशन जो मैक एड्रेस है वो दे दो, तो वो यहाँ पे कॉपी कर देगा। क्लियर होगी बात? यस सर, ठीक है। और सोर्स का मैक एड्रेस जो है वो जो आपका नेटवर्क कार्ड का हार्डवेयर है उसको अपना एड्रेस पता है, वो अपना एड्रेस यहाँ पर खुद एंटर कर देगा। क्लियर होगी बात? यस सर। ठीक है। सो आप देखिए, अच्छा अब मैं शुरू से बात करता हूँ। देखें, सबसे पहले जो शुरू में पहली 8 बिट्स होंगी वो क्या होंगी, वो आपके नेटवर्क कार्ड के पास एक खास तरह का बिट का पैटर्न होगा, कोई भी हो सकता है, 8 बिट के अंदर वो कोई पैटर्न बना हुआ होगा जो कंप्यूटर को, आपके नेटवर्क कार्ड को ये बताएगा कि मेरे पीछे 8 बिट के बाद जो पीछे है वो क्या है, वो डेटा है, ठीक है। यानी ये जो प्रियम्बल है ये बताएगा स्टार्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्टॉप ऑफ कम्युनिकेशन बताएगा, जब ये स्टॉप करेगा तो बस इसका मतलब ये आखिरी फ्रेम आ रहा है, ठीक है, और इसके बाद फ्रेम नहीं आएंगे। और वैसे भी जो आपका हार्डवेयर होता है वो काउंट कर रहा होता है, अगर 10 फ्रेम आने हैं, 10 फ्रेम जब पूरे हो गए तो वो कहेगा बस कंप्लीट हो गए, ठीक है, जिसे फ्रेम चेक सीक्वेंस आप बोलते हो। अच्छा, पहले 8 बाइट समझ आ गए, पहले याद रखिएगा ये बाइट्स की बात हो रही है, पहले 8 बाइट्स के अंदर जो डेटा होता है वो आपका स्टार्ट या स्टॉप ऑफ कम्युनिकेशन के लिए होता है, ठीक है। तो इससे नेटवर्क कार्ड रेडी हो जाता है कि अब पीछे डेटा आने लगा है। सो फिर उसके बाद वो क्या करता है,
वो आपका ये जो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस होता है, अगले 6 बाइट्स जो होते हैं वो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस होते हैं, और इसकी बेस पे आपके नेटवर्क कार्ड ने फैसला करना होता है कि ये डेटा उसका अपना है या किसी और कंप्यूटर का है। अगर ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस उसके अपने मैक एड्रेस से मैच हो गया तो इसका मतलब जो पैकेट रिसीव हुआ है वो इसी कंप्यूटर का है, और वो क्या करेगा, वो ऊपर वाली लेयर को ये पैकेट दे देगा, आगे कुछ भी नहीं देखेगा वो, उसको इससे मतलब नहीं है कि आगे कितना डेटा पड़ा हुआ है और क्या है, ठीक है। ये ऊपर वाली लेयर को इससे मतलब होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और जब जब कंप्यूटर डेटा सेंड करने लगेगा तो सोर्स के अंदर अपना मैक एड्रेस लिखेगा, वो भी 6 बाइट्स का होगा। याद रखिएगा, 6 बाइट्स का मतलब एक बाइट जो होती है 8 बिट्स की होती है, 6 × 8 कितना हो गया, 48। तो मैंने कहा था 48 बिट्स का आपका मैक एड्रेस होता है। ये चीज क्लियर है आप लोगों को, यस सर। ठीक है। सो याद रखिएगा, ये एक मैक एड्रेस ये पड़ा हुआ है और एक मैक एड्रेस ये पड़ा हुआ है, एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन है। और डेस्टिनेशन को पहले क्यों रखा है, उसकी वजह समझ आई कि शुरू की बिट्स पहले, जब भी डेटा रिसीव होता है तो पहले डेस्टिनेशन को कंपेयर करना होता है कि ये डेस्टिनेशन का जो मैक एड्रेस है ये आपके नेटवर्क कार्ड के मैक एड्रेस से मैच हो गया, तो हार्डवेयर ये काम कर लेता है, मैचिंग कर लेता है। अगर वो मैच हो गया तो वो डेटा को ऊपर वाली लेयर को, यानी लेयर 3 को, यानी आईपी प्रोटोकॉल को दे देगा। बात समझ गए? यस सर। ओके। अच्छा, अगली 2 बेटे जो बाइट्स है ना, ये टाइप को रिप्रेजेंट करती हैं। क्यों, उसकी वजह मैं बताता हूँ। पहले ये होता था कि आपके पास जो आईपी प्रोटोकॉल होता था ना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन दो तरह के, दो बड़े नेटवर्क जो बनाने वाले लोग थे, दो बड़ी कंपनीज थी। एक नोवल कंपनी थी, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको नेटवेयर बोलते थे। नेटवेयर जो था, आईपी की जो प्रोटोकॉल यूज करता था उसका नाम था आईपीएक्स, ठीक है। और यूनिक्स या लिनिक्स या जो माइक्रोसॉफ्ट है वो आपका आईपी प्रोटोकॉल को यूज करते थे। तो याद रखिएगा, ये दो तरह के टाइप थे प्रोटोकॉल, तो उसके लिए ये रखा गया था। और जो ये नोवल था, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट था कि नोवल जो है दुनिया के जो 82% जो नेटवर्क थे दुनिया के अंदर, वो नोवल के कंपनी के नेटवर्क थे, ठीक है। सो ये वो टाइम था, ये 1980s की हम बात कर रहे हैं, उस जमाने में ये बहुत पॉपुलर और बहुत बड़ी कंपनी होती थी नोवल। बाद में ये कंपनी खत्म हो गई आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। क्लियर है ये बात? यस सर। ओके। सो बेटे, ये हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। बंदा यानी कंपनी को एक छोटी सी मिस्टेक करती है तो वो कंपनी खत्म हो जाती है। तो ये बहुत सारा यानी इसमें था, कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से ये कंपनी खत्म हो गई थी। चलें ये भी आपको बताऊंगा कि क्यों खत्म हुई थी, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। ओके, ये चीज क्लियर होगी आप लोगों को, ठीक है। टाइप, कंपनी नेम क्यों जैसे टाइप। हाँ मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आपके जहन में अब क्वेश्चन आ गया कि क्यों हुई खत्म, ठीक है। तो मैं आपको वजह बता देता हूँ, लेकिन पहले ये मैं 2 चीजें कवर कर लूँ, ठीक है। ओके सर। अच्छा, इसमें बेटे ये हुआ, अब ये जो इससे इस पहली 8 बाइट्स प्रियम्बल, फिर उसके बाद वाली 6 बाइट्स जो हैं डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, उसके बाद जो 6 बाइट्स हैं वो सोर्स मैक एड्रेस, उससे आगे जो 2 बाइट्स आएंगी वो क्या है, वो टाइप को रिप्रेजेंट कर रही है कि आईपी प्रोटोकॉल है या आईपीएक्स प्रोटोकॉल है, ठीक है, इन दोनों में से कौन सा है, ठीक है। सो 2 बाइट्स हैं, 0 यानी 0 0 1 हो जाएगा, 0 1 जो है दूसरे के लिए हो जाएगा, और अगर जरूरत पड़ती तो शायद 2 और रखे जा सकते थे, यानी या जितने भी बाइट्स आपके हों, ठीक है, इस तरह करके वैल्यू रख सकते, क्योंकि ये 2 बाइट्स हैं तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल आ सकते हैं, ठीक है। सो किस प्रोटोकॉल ने डेटा भेजा है उसका यहाँ पे एंट्री मौजूद होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 46 बाइट्स से लेकर 1500 बाइट्स तक डेटा हो सकता है इसके अंदर, एक फ्रेम के अंदर, याद रखिएगा। और आपको मालूम होगा कि जब हम पिंग करते थे तो वो कई मतलब 32 बाइट्स का डेटा जाता था, ठीक है, तो वो एक एग्जांपल के तौर पर आपको याद होना चाहिए। और बाज़ औक़ात वो 128 बाइट्स का डेटा जाता है, एंड सो ऑन, ठीक है। सो पैकेट्स का साइज वेरी कर सकता है, ठीक है। तो एक फ्रेम के अंदर कितना डेटा होता है ये डिपेंड करता है, ठीक है। और पिंग के जरिए से, पिंग की जो कमांड है उससे आप जो पैकेट्स हैं वो सेंड करते हुए आपको नजर आते हैं कि पैकेट का साइज कितना है। अच्छा,
सीआरसी एक एरर चेकिंग का मैकेनिज्म है, इसको बोलते हैं सीआरसी। हम इसको देखते हैं, ठीक है, ये आगे चल के वैसे देखेंगे। इसको बोलते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ठीक है। ये साइक्लिक रिडंडेंसी चेक एक मैथमेटिकल फार्मूला है जो ये बताता है कि जो बिट का पैटर्न है वो कहीं खत्म तो नहीं हो गया, खराब तो नहीं हो गया, बिट जो है एक स्पेसिफिक पैटर्न के मुताबिक जा रही है कि नहीं जा रही है, ठीक है। अगर बिट का पैटर्न सही है, ठीक है, मतलब कोई बिट 0 से 1 तो नहीं होगी या कोई बिट 1 से 0 तो नहीं होगी, इस पैटर्न को सेल चेक करने रिडंडेंसी के। का मतलब डुप्लीकेशन होता है ना। हाँ, बिल्कुल। तो ये देखें, ये चेक करता है कि कोई बिट जो है चेंज तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ नहीं बताऊंगा। ये आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर बेटे ये चीज आएगी, वहां मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि ये कैसे चेक करता है, ठीक है। तो वो एक सादा ओके सी एग्जाम्पल के जरिए से मैं आपको बताऊंगा कि ये सीआरसी की वैल्यू को कैसे चेक करता है और कंप्यूटर कैसे चेक करता है एरर को, उसको कैसे पता चलता है कि ये एरर है। याद रखिएगा, कंप्यूटर, या सिंपली इतना बता दूं, चलो यूं समझ लो, जो सोर्स कंप्यूटर है जिन बिट्स को भेज रहा होता है उन बिट का पैटर्न जो है इस सीआरसी फार्मूले के अंदर फीड करता है, और सीआरसी की एक वैल्यू, एक न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट करता है। वो न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो यहाँ 4 बाइट्स के अंदर वो कॉपी कर देता है, ठीक है, और डेटा को भेज देता है। जब डेस्टिनेशन कंप्यूटर रिसीव करता है इस डेटा को, वो सीआरसी, वो दोबारा जो बिट पैटर्न उसको रिसीव होता है ना, उसके ऊपर दोबारा सीआरसी कैलकुलेट करता है, और जो वैल्यू आई होती है सीआरसी की उन दोनों को मैच करता है। अगर वो मैच नहीं हुई तो इसका मतलब है डेटा जो है आपका सही रिसीव नहीं हुआ। अगर इवन इफ के आपके कंप्यूटर में वो फाइल क्रिएट हो गई है, लेकिन जब आप उस फाइल को, फर्ज करें वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, अगर आप ओपन करेंगे तो वहाँ एरर लिखा हुआ आ जाएगा कि सीआरसी फेल्ड, ठीक है, कि सीआरसी चेक जो है वो फेल हो गया है, तो इसलिए वो फाइल ओपन नहीं हो सकती। है वो वर्ड का डॉक्यूमेंट, लेकिन कंप्यूटर उसको ओपन करने से इनकार कर देगा कि हो सकता है इसके अंदर वायरस हो। क्लियर होगी बात? यस सर। अच्छा, अब ये तो मेरा बेटे लेक्चर कंप्लीट हो गया। सीआरसी को मैंने बताया कि बावजूद इसके कि मैंने आपको ये थोड़ी सी चीज बता दी, लेकिन आगे चल के वहां हम डिस्कस करेंगे, वहां ये चीज रिपीट हो जाएगी आपकी। अच्छा यस सर, अब कंपनी कब तय। हाँ, वो अभी सस्पेंस पड़ गया ना आपको। अच्छा, अब बेटे ये था, मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखिए, एक टाइम था जब दुनिया के अंदर 85 या 87% जो नेटवर्क्स थे वो नोवल कंपनी के थे, और वो नेटवेयर यूज करते थे। मुझे खुद याद है, मैंने खुद इस नोवल के नेटवर्क के ऊपर काम किया हुआ है, और जो है हम लोग इसको यूज करते थे, और ये बड़ा जबरदस्त जो है ना वर्क था। इसमें तरीका ये होता था कि एक सर्वर हम क्रिएट करते थे और डिस्कलेस, बगैर हार्ड डिस्क के हम जो है वर्क स्टेशन बनाते थे, और एक फ्लॉपी डिस्क के जरिए से हम सर्वर पे कनेक्ट कर देते थे। इतनी जबरदस्त ये सिस्टम था, आप सोचें। और आप ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक आप विंडोज भी इसके अंदर यूज कर लेते थे। अब हुआ ये कि माइक्रोसॉफ्ट एक छोटी सी कंपनी थी, ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि यार ये अजीब बात कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त बेटे ये जो नोवल थी ना, ये बहुत बड़ी कंपनी थी नेटवर्किंग की, और ये जो माइक्रोसॉफ्ट थी ये बिल्कुल छोटी सी एक कंपनी होती थी जो ना होने के बराबर कोई चीज थी, ठीक है। यानी मैं, आप इधर से अंदाजा लगा लें कि नोवल कंपनी के, अगर दुनिया के अंदर 80% नेटवर्क नोवल कंपनी के थे, तो माइक्रोसॉफ्ट का शायद एक नेटवर्क हो, ऐसे था। क्लियर है बात? यस सर। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो ऑनर था बिल गेट ने नोवल वालों से बात की। उसने कहा कि यार ये आप ऐसा करें कि नोवल के अंदर से ये मेरी विंडोज जो है, पुरानी एक विंडोज शुरू में बनाई थी जो माइक्रोसॉफ्ट ने, वो थी 3.11, ठीक है, जो नेटवर्क को थोड़ा सा सपोर्ट करती थी, वर्क ग्रुप्स के लिए थी, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि आप इसको इस नोवल के अंदर चलने दें, तो कोई लोग जो है ना विंडोज का लाइसेंस खरीद लेंगे तो मेरा भी फायदा हो जाएगा, तो आपको कोई नुकसान कोई नहीं होगा, ठीक है। क्लियर होगी बात? यस सर। तो नोवल ने ये इजाजत दे दी, और नोवल ने, नोवल के अंदर जो है ना ये जो विंडोज थी वो चल जाती थी, नोवल के अंदर इंस्टॉल हो जाती थी विंडोज 3.11 फॉर वर्क ग्रुप्स, और इसको हम चला लेते थे। अच्छा, कुछ अरसे बाद, अब विंडो जो है वो आपको पता है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, बड़ी फैसिनेटिंग होती है, इंसान इसके साथ काम करना ज़्यादा पसंद करता है, ऐसी बात है।
यस सर, यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली है, एग्जैक्टली ठीक है। तो वो जो विंडोज 3.11 थी वो इतनी अच्छी नहीं थी जैसी ये विंडो है, वो जरा थोड़ी ऐसी ही सी थी, लेकिन थी वो विंडो, याद रखिएगा। उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी मौजूद होता था, ये वाला नहीं था लेकिन वो पुराने स्टाइल का था, ठीक है, लेकिन था, और माउस उसमें यूज होता था, और बड़ा अच्छा यानी वो चीज थी ना। तो अच्छा, जब मैं काम करता था उस जमाने में, हम लोग क्या करते थे, हम जब फ्लॉपी से बूट करते थे तो लोग कहते थे यार ऐसा करें कि ये नोवल में ना जाए, आप इसके अंदर स्क्रिप्ट लिख दें कि ये सीधा विंडोज के अंदर चला जाए। तो हम लोग क्या करते थे, विंडोज चला देते थे, बात समझ रहे हैं। यस सर, तो वो लोग जो जिनको नोवल के अंदर काम करने की आदत थी, कुछ अरसे के बाद उनको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में काम करने की आदत पड़ गई। ये चीज क्लियर हो गई। यस सर, फिर क्या हुआ, फिर 1994 के अंदर, 1994 के ट्वेंटी अंदर फोर माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 95 लॉन्च की, ठीक है। 1994 यस के अंदर विंडोज 95 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने लॉन्च की, ठीक है। और नोवल ने माइक्रोसॉफ्ट को कहा कि ये नोवल के लिए भी तो दो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने, माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि ये नोवल के अंदर नहीं चलेगी, ये स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, और नोवल को ये विंडो नहीं दी उसने, बात समझ गए। यस सर, तो फिर क्या हुआ, लोगों ने नोवल के नेटवर्क खत्म कर दिए और माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है वो लोगों ने खरीद ली और उसके लाइसेंस खरीद लिए। और विद इन वन डे, एक दिन के अंदर अंदर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की 1 मिलियन कॉपीज सेल हो गई। और वो जी कंपनी, बस हाँ, और वो कंपनी जो नॉवल की जीरो, गलती थी। हाँ, वो कंपनी जो जीरो लेवल पे थी वो ऐसे टॉप लेवल पे आ गई। 1 मिलियन कॉपीज का मतलब समझते हो ना कि कितने पैसे कमाए उसने, यस सर, ठीक है। ओके जी जुबैर, अरे ये तो फिर नोवेल के साथ हाथ हो गया बहुत बड़ा। हाँ बेटे, ऐसे बहुत सारे मतलब चीजें हैं ना, ऐसे बहुत सारे काम हैं। देखिए इस तरह बहुत सारी चीजें हुई हैं, ये सिर्फ नोवल की बात नहीं है कि नोवल के साथ ऐसा बात हुई है, मसलन मैं मसलन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ भी एक दफा ऐसी चीज हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट था डी बेस 3+, ठीक है, ठीक है। तो ये जो डी बेस 3+ है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट का उस वक्त ना लाइसेंसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जब ये प्रोडक्ट जो है डी बेस 3+, एक कंपनी थी उसको बेच दिया, जब बेच दिया तो प्रोडक्ट बिकता था ना, प्रोडक्ट उन्होंने खरीद लिया, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट जब उन्होंने खरीद लिया तो वो उन्होंने बहुत पैसा कमाया कंपनी ने, माइक्रोसॉफ्ट तो हाथ मलता रह गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था डी बेस 3+। और याद रखिएगा डी बेस 3+ जो है वो एक डेटाबेस था, मे बी आपने शायद उसका नाम सुना है या नहीं सुना है, लेकिन मैं आपको यहाँ ये बता देता हूँ कि डी बेस 3+ वो पहला सॉफ्टवेयर था जिसके अंदर एसक्यूएल की सेलेक्ट कमांड इस्तेमाल हुई थी। तो आप इधर से अंदाजा लगा सकते हैं कि एसक्यूएल जो है कितनी पॉपुलर किस्म की आपकी डेटाबेस की कमांड है, ठीक है। सो ये बेसिकली था। तो चले, इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट के हाथ से वो प्रोडक्ट निकल गया, ठीक है। और बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने वो डीबेस 3+ की जगह फिर एसक्यूएल सर्वर के नाम से नई डेटाबेस लॉन्च की थी, ठीक है, और वो बहुत साल के बाद उसको लॉन्च कर पाया था, ठीक है। और एसक्यूएल सर्वर के अंदर फिर एसक्यूएल जो थी आपकी लैंग्वेज पूरी की पूरी उसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, और उसने ये बहुत जबरदस्त किस्म की जो ह्यूमन लैंग्वेज के नियर लैंग्वेज है उसने क्रिएट की थी, ठीक है। ओके सो स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। हमने काफी इंटरेस्टिंग गपशप भी कर ली। अच्छा ये बताइए कि अगर किसी को बेटे कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क क्वेश्चन, पूछ सकते हैं जल्दी से, थोड़ा सा टाइम है इसके अंदर, क्वेश्चन ले लेंगे, अदरवाइज नहीं तो इसको एंड करते हैं सेशन को, ठीक है। चलें ठीक है, सेशन को एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम आगे जो मजीद हमारा लेसन नंबर 7 है, ठीक है, वीक नंबर 7 के जो लेसन है उसको पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स कल सैटरडे को डोंट फॉरगेट टू अटेम्प्ट योर क्विज, ठीक है, क्विज नंबर 2। एक जो पहला क्विज था वो हम क्लास में जब हमारी
ऑन कैंपस क्लासेस थी, हमने ले लिया था। ये क्विज नंबर टू है आपका, सेकंड नंबर क्विज है। ये होगा तो इंशाल्लाह हर वीक में हम एक आध क्विज लाजमी करेंगे, ठीक है। और हर सैटरडे को आपने चेक करना है, मैं अनाउंस कर दिया करूंगा ग्रुप के अंदर, आपने क्विज अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो कल जो है आपने